ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच इस समय 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। टी20 विश्व कप के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पहली बार कोई सीरीज खेल रही हैं। आपको बता दें, ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है और इस सीरीज के 3 टी20 मैच पहले ही विश्व कप से पहले खेले जा चुके हैं, जिसे इंग्लैंड ने 2-0 से अपने नाम किया था। लेकिन टी20 विश्व कप जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया की ही सरजमी पर वनडे के प्रारूप में बिखरती नजर आई है। आपको बता दें, इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने जहां 287 रन बनाए, तो वहीं 288 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6 विकेट रहते इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेकिन आज इस मुकाबले में इंग्लैंड के लिए उनके सबसे बड़े मसीहा कहें या फिर उनकी उम्मीद डेविड मलान रहे, जिन्होंने आज 134 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए इंग्लैंड को शर्मनाक हार से बचा लिया। आपको बता दें, आज इंग्लैंड की तरफ से डेविड मलान के अलावा कोई भी बल्लेबाज 50 रनों का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाया। डेविड मलान के अलावा डेविड विले ने 34 रन बनाए, जो इंग्लैंड की पारी में दूसरे सबसे ज्यादा रन स्कोरर रहे। आपको बता दें, डेविड मलान ने आज 128 गेंदों का सामना करते हुए 134 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। डेविड मलान तब बल्लेबाजी करने उतरे जब इंग्लैंड की टीम मैदान में संघर्ष कर रही थी। बड़े बड़े नाम जैसे जेसन रॉय, कप्तान जॉस बटलर आज बल्लेबाजी में संघर्ष करते दिखाई दिए, लेकिन एकमात्र डेविड मलान ऐसे खिलाड़ी नजर आए जिन्होंने कंगारू गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और लगातार बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 287 रनों तक पहुंचा दिया। आपको बता दें, डेविड मलान टी20 विश्व कप में खेले गए सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले से पहले चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से डेविड मलान ये दो बड़े मुकाबले इंग्लैंड के लिए नहीं खेल पाए। अब डेविड मलान पूरी तरह से फिट हैं, तो उन्हें वनडे टीम में जगह दी गई है और पहले ही मुकाबले में उन्होंने अपनी पारी से सभी को प्रभावित कर दिया है। डेविड मलान की ये पारी उनके करियर की बेस्ट पारी भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस स्थिति में आकर इंग्लैंड को बचाया वो काबिले तारीफ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।